Good afternoon. अभी टाइम हुआ 1 o'clock शायद। मैं भी कपड़ा साफ करके आई। सॉरी ये कुछ नहीं है, ये इसके लिए। जैसे कि आपको पता होगा मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। बहुत दिनों के बाद ही आया है। 4 या 5 मंथ हो गए। करण को बोल बोल के मैं थक गई। मुझे किचन का सामान चाहिए। सुन, मैं एक ही चीज मंगवाया कि मुझे तावा चाहिए। मेरा तावा खराब हो गया है। मेन प्रॉब्लम डोसा नहीं बना सकती मैं। करण को डोसा पसंद है बट मेरा तावा इतना खराब है, उसमें रोटी बना बना के वो डोसा नहीं होता है। डोसा होता है तो 5-6 डोसा खराब होएगा, उसके बाद 1-2 अच्छा होता है। अच्छा होएगा मीन 5-6 खराब होने के बाद अच्छे से होएगा, इसलिए मैं डोसा बनाना ही बंद कर दिया। बच्चों को इडली पसंद है, करण को डोसा पसंद है। बोलो क्या करूँ। अभी देखो एक के बदले 3 3 नहीं, उसके साथ वुडन स्पून भी। वुडन स्पून अभी नहीं आया है, वो बाद में आएगा। थ्री चीजें इसमें, एक तावा, एक फ्राई पैन, इसको मैं अब यूज करूंगी। अभी मेन चीज में शाम को ही कुछ बनाऊंगी, मीठा। मैं चीज में पहले बार मिठाई बनाना चाहूंगी, आज मीठा बना लिया। इसको ओपन कर लेते हैं। वो दोनों तो बाद में करूंगी, तावा में पहले तो मैं डोसा बनाऊंगी। ठीक है, डोसा आज है, आज है थर्सडे। फ्राइडे में नहीं, सैटरडे नहीं तो संडे।
और एक काम है, डब्बे में भी रख दूँ, नहीं जाएगा किचन को दिया। ओके मैं किचन रूम में रख के आता हूँ। मेरा कपबोर्ड पूरा गंदा होके पड़ा है, मैं उससे अरेंज करूँगी। कपबोर्ड मीन्स मेरा सुप्पू काट थोड़ा बहुत ठीक है, करण का तो रोज ही अरेंज होता है, एक हफ्ते में एक बार तो उनका अरेंज कर लेता हूँ। अरेंजमेंट से उसको आयरन देके ही रखना पड़ता है, उसका ठीक है, सुप्पू का थोड़ा बहुत ठीक है, मेरा खुश हूँ ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक चीज में ज्यादा मिलो तो इसको नहीं खुशी होएगा। हर साल घूमना पड़ता है, करण का ऐसा जॉब है और रेंट तो इतना ज्यादा होता है कि बजट के बाहर ही हो जाते हैं, और बजट के अंदर तो जैसा भी हो, घर तो घर ही हो ना, उसको सजाता अच्छा है। चलो टाइम कितना, 1:40, थोड़ा सा भूख लगी है, सोचती सो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे किचन में।
अभी बनाएंगे मीठा, बनेगा सेवैया। और रात के लिए भी मैं डिनर का प्रिपरेशन भी बना दूंगी। इधर मैं कट करके रख दिया है फ्लावर, कर्ली फ्लावर और पोटैटो, इसका सब्जी बनेगा। आटा गूंद के भी रख दिया है, थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से ही बना दिया। अभी चलो बनाते हैं सेवैया और करी। सो फ्रेंड्स, मैं अभी दूध को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और ये पैन में मैं सिमाई को बनाऊंगी। तो पहले 2 चम्मच घी, काव का घी, उसमें काजू किशमिश डाल लिया उसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसको निकाल लेंगे और उसी ऑयल में हम सेमिया को डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसी बीच सेमिया फ्राई होने के बीच हम इलायची का पाउडर बना लेंगे। इधर सेमिया में थोड़ा सा पानी और चुटकी भर नमक डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। बीचों बीच में मेरा किचन काउंटर भी साफ कर लेती हूँ। सिमाया थोड़ा सा बॉईल हो गया है, उसमें अभी दूध डाल देंगे और वन साइड रख देंगे। ये दूसरा पैन में लेके आई, दूसरा कढ़ाई लेके आई, तो इसमें हम सब्जी बनाएंगे करली फ्लावर और पटाटो का। इसमें 2-3 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा जीरा, मसाले में मैं लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब डाल के मसाला को फ्राई करूँगा। सेमिया में हमें अभी इलायची पाउडर और शुगर डाल दिया है। मसाला में मैं अभी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और नमक, डाल के थोड़ा सा पकने के लिए रखो। और लास्ट में मैं डाला इसमें दालचीनी का पाउडर। ये मैं सारा सब्जी डाल दिया और मसाले में उसको मिला लिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दूंगी, बाद में उसके उसके हिसाब से पानी दूंगी। मेरा सेमिया रेडी हो चुका है और ये सब्जी भी डाल दिया। तो इसी बीच मैं मेरा काउंटर भी साफ कर लिया। ये सब्जी आप ऑयल में भी फ्राई करके मसाले में डाल सकते हैं। कॉलीफ्लावर और पटाटो को ऑयल में फ्राई करके मसाले में डाल सकते हैं, बट करण को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं पानी से ही किया। लास्ट में मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दिया और ढक दिया। चलिए फ्रेंड्स, मेरा सेमिया हो गया रेडी। ये जितना रहेगा ना उतना गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इतना काफी है। ओके, रख देते हैं। ये करीबी हो गया है, इसको अभी बंद कर देंगे, उसके भाप में ही हो जाएगा। ठीक है, रोटी जैसे मैं रात को ही बनाती हूँ, गरम गरम बनाने का और खाने का। चलिए टाइम देख देते हैं कितना हो गया। 4:35 हो गया है, तो अभी मुझे जाना है मेरा काम करने। 1 घंटे में सुबह आ जाएगा। मैं उसके पहले ही नहा के रेडी हो जाती हूँ।
ये वीडियो को मैं इधर कंप्यूटर में लोड कर दो, उसके बाद मैं जाऊंगी सावन लेने। सुबह का आने को 1 घंटा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कुछ तो बताइए। और क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट लाना है वो भी बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। बाय।